प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेक्टेंगल्स, कुछ बॉक्सेस हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितने बॉक्सेस हैं काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों साइड 10 बॉक्सेस हैं, राइट। अब सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं, बताइए ब्लैक बॉक्सेस कितने हैं। एक डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट तरीका क्या होगा, डायरेक्टली काउंट कर लें 1, 2, 3, राइट। 3 हैं ब्लैक बॉक्सेस। यहाँ अगर इसके बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे भी तो फाइंड कर सकते हैं, एक अप्रोच इनडायरेक्ट, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है बॉक्सेस 10, ब्लैक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन रेड एंड ब्लू के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं टोटल है 10, जिसमें से ब्लैक नहीं है, रेड एंड ब्लू है कितने 7, तो ब्लैक कितने होंगे 3। ये भी एक तरीका है, देखिए 3 आ गया आंसर। एक और अल्टरनेटिव है बच्चों, तो क्योंकि हम जानते हैं दोनों साइड बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ये जो बॉक्सेस हैं टोटल 10, राइट, इसमें से रेड एंड ब्लू हटा दें। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉजिक वही लॉजिक, ये 10 है टोटल, तो यहाँ का भी टोटल 10 है, उसमें से रेड एंड ब्लू को हटा दें तो इस 10 में से ये 7 माइनस कर दें तो भी तो यही आएगा 3। सर तो एक ही तो बात है, तो मैंने कहाँ अलग बोला, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा आपको, यही अप्रोच अपनाना पड़ेगा, इसलिए अभी इसे ही ध्यान दीजिए, और बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है। अब मैं धीरे धीरे इसमें एड ऑन करते चले जाऊंगा। ऑब्जर्व कीजिए, ये कितने बॉक्सेस हो गए 3, इस पोर्शन में 3 बॉक्सेस, इस पोर्शन में 6 बॉक्सेस, इस पोर्शन में 1, टोटल हो गए 10। इस पोर्शन में कितने बॉक्सेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस पोर्शन में 2, 3, 6, 1, 8 एंड 2, 3, 6, 1, 10, 8 एंड 2, 10। अब ऑब्जर्व कीजिए, अब धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। सर बैलेंस शीट पे आ रहे हैं क्या? यस, हम वैसे तो बैलेंस शीट बनाते हैं वर्टिकल, लेकिन फील तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो मैं चाहता हूं आप हॉरिजॉन्टल टी फॉर्म के हिसाब से सोचें। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में सोचे तो लेफ्ट हैंड साइड होगा लायबिलिटीज इन कैपिटल और राइट हैंड साइड होगा एसेट्स। ये 3 बॉक्सेस, 3 रेक्टेंगल्स हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, ये नॉन करंट लायबिलिटीज और ये करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। राइट हैंड साइड देखे तो ये नॉन करंट एसेट्स और ये करंट एसेट्स, तो विजुलाइज कर पा रहे ना, ये बैलेंस शीट के जैसा, ये लायबिलिटी और ये एसेट। 3 अगर शेयर होल्डर्स फंड्स हैं तो 6 है नॉन करंट लायबिलिटीज, 1 है करंट लायबिलिटी, टोटल 10, और ये करंट नॉन करंट एसेट्स 8, करंट एसेट्स 2, तो ये हो जाएगा 10, राइट। अगर उससे शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी वगैरह से फील ना हो तो 11th के फॉर्मेट में देखिए, ये 3 कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी को दूसरे तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये फील कीजिए फिक्स्ड एसेट है और ये करंट एसेट्स। ये फिर कैपिटल एक ही क्यों नहीं है, ये फील कीजिए ये कैपिटल है, ये रिजर्व्स इन सरप्लस है, इस कारण से अलग अलग पार्ट है। शेयर होल्डर फंड्स में सब डिविजन होता है ना, सब हेडिंग्स होते हैं ना, वैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बहुत प्रकार की हो सकती है। 3 हो गया कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 6, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 1, फिक्स्ड एसेट्स 8, करंट एसेट्स 2, टोटल 10 दोनों साइड। ये हमारे
बिजनेस का बैलेंस शीट है। फिगर सेट में हमने पैसे इतने लगाए हुए हैं, कितने 8, और करंट एसेट स्टॉक वगैरह इन्वेंट्रीज कैश में हमारे पैसे पड़े हुए हैं 2। तो हमने अपने बिजनेस में एसेट्स में टोटल कितने पैसे लगाए हैं? टोटल पैसे लगाए हैं 10। लेकिन ये 10 कहीं से तो आए होंगे ना, तो ये तो लगाए हैं, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स लेकिन कहीं से तो आए होंगे ना, तो कहीं से आए होंगे तभी तो हमने ये खरीदे होंगे, लगाए होंगे इसमें पैसे, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसे लेकिन आए कहाँ से, ये है सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप फील कर सकते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स, और राइट हैंड साइड को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, या तो ओनर्स से हम ले सकते हैं, या आउटसाइडर से, लेंडर्स से ले सकते हैं, ये ओनर्स, ये आउटसाइडर्स, यहाँ से फंड्स आए टोटल 10 और यहाँ पे लगाए मशीन वगैरह इसमें, स्टॉक इन्वेंट्री कैश में, फील कर पा रहे हैं। अब रेशो में इसका क्या काम, मैजिक हो चुका है मेरे बच्चों, हमें कई बार डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, कैपिटल नहीं दिया हुआ है, कैपिटल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कैपिटल के बारे में, और रेशियो निकालने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड्स का एक दूसरा नाम होता है इक्विटी, इक्विटी कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी केवल इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब आ जाता है। शेयर होल्डर्स फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, और आपको बोलेंगे करंट लायबिलिटीज फाइंड कीजिए, बड़ा सिंपल है, ऐसे फील किया हो तो राइट हैंड साइड का टोटल 10 है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी टोटल 10 होगा, 10 में से ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है 9 है बॉक्सेस, हटा दें 10 बॉक्सेस में से 9 बॉक्सेस हटा दें तो बचेगा 1, ये आ गया हमारा करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर फाइंड करनी हो हमें, जिसको नॉन करंट लायबिलिटी भी बोला जाएगा, ये कैसे फाइंड किया जा सकता है, एक अप्रोच है डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी गई हो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के, नहीं दिया गया हो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो इनडायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, हमें ये पोर्शन फाइंड करना है, हम जानते हैं इस साइड का टोटल दिया होगा 10 बॉक्सेस, तो इस साइड का भी टोटल 10 बॉक्सेस होगा, तो इस 10 में से ये वाला पोर्शन हटा दें जो कि है 3, और ये वाला पोर्शन भी हटा दें जो कि है 1, तो 10 - 3 - 7 - 1 - 6, 6 आंसर आ चुका है। इस तरीके से सोचिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब सर मैजिक क्या हुआ? हाँ मैजिक, अब देखिए, अब इससे आपके बहुत सारे रेशियोस हो जाएंगे, और अलग अलग तरीके से, ऑल्टरनेटिव तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे एक इक्वेशन को। एक रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या केवल सॉल्वेंसी रेशियो कहा जाता है, सॉल्वेंसी रेशियो इंप्लाइज की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, तो सर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, या उसी का ही दूसरा नाम है लिक्विडिटी रेशियो, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स लेंगे, टोटल डेट्स नहीं, लॉन्ग टर्म डेट्स, क्योंकि हमारा व्यू है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को देखना, इसीलिए ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स विल बी कंसिडर्ड, तो नॉन करंट लायबिलिटीज को कंसिडर करेंगे, और यहाँ इक्विटी, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह सब आता है। तो इस डायग्राम के थ्रू देखें तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट ये रेड बॉक्सेस, ये है नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट, तो ये हो गया 6 अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, ये वाले बॉक्सेस, तो 6 / 3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। सर ये क्या डेट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करेंगे, सब बता रहा हूँ, पहले एक बार देख तो लीजिए, ये हो गया एक रेशियो, सेकंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, कभी भी 2 वर्ड लिखा हो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो 2 से पहले जो आएगा वो न्यूमरेटर, 2 के बाद जो आएगा वो डिनोमिनेटर, जनरली ऐसा होता है, तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो न्यूमरेटर में रखेंगे टोटल एसेट्स, मतलब राइट हैंड साइड का टोटल। अब ये डायरेक्टली दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल 10 है तो राइट हैंड साइड का भी टोटल 10 ही होगा,
यही अप्रोच तभी तो काम आता है, मैजिक यही तो होता है। तो सपोज ये दिया हुआ है, तो टोटल एसेट्स, सारे एसेट्स कितने हैं? 10, 10 अपॉन डेट। डेट कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म डेट। अगेन क्यों लॉन्ग टर्म डेट? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन देख रहे हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज कितने हैं? 6। तो 10 अपॉन 6, 5 to 3। और तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर्स फंड्स। सर ये क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स, यही इक्विटी, उसी का ही दूसरा नाम है प्रोप्राइटरी फंड्स। ओनर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये शेयर होल्डर्स फंड्स है 3, ये 3 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, इस साइड का टोटल या इस साइड का टोटल जो भी दिया हो 10। तो 3:10, 0.3:1 जैसा लिखना चाहें, ये आ गया हमारे रेशियोस। अब इसमें जो प्रोप्राइटरी रेशियो है उसका फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो ऐसा याद कर सकते हैं पटा पटा कि नहीं पटा। हाँ अब ये क्या इंडिकेट करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। हम ये इंडिकेशन चाहते हैं कि बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल होगा या नहीं होगा, इसका इंडिकेशन कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सर प्रॉब्लम कब होगा? जब कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा उधार ले ले, डेट ले ले, बहुत ज़्यादा डेट के थ्रू फंड्स रेज किए हों, तो रीपे करने में मुश्किल हो सकती है। होगी नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकती है। आप रीसेंट में जो बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हुए हैं और वायरस के बाद जो सिनेरियो होगा उसमें भी, आप अभी मैं बता दे रहा हूं, बहुत बड़े बिजनेसेस को फेल होते हुए देखेंगे। रीजन क्या? अनफॉर्चुनेट रीजन ये है कि ये उन्होंने डेट हद से ज़्यादा ले लिए हैं। डेट हद से ज़्यादा ले लिए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के कमिटमेंट्स भी हैं, रीपेमेंट का कमिटमेंट भी है, और वो तो प्रॉफिट्स कमाएंगे तो उसमें से रीपे कर पाएंगे, लेकिन बिजनेस जब डाउन होगा तो प्रॉफिट्स का ठिकाना नहीं होगा, रेवेन्यू का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन रीपेमेंट तो एनी हाउ करना ही पड़ेगा। बैंक भी कब तक साथ देंगे? तब उनको ये डेट भारी पड़ने लगेगा। लाइफ के लेसन सीखे कि हद से ज़्यादा डेट नहीं लेने का। ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोस अगर कोई अच्छे से फील कर ले तो अपने बिजनेस को सिक्योर कर पाएगा वो अनसर्टेनिटीज से। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस फेल हुए ना, उनसे पूछिए क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, डेट इक्विटी रेशियो का, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको फील करवा रहा हूँ। अब पहला डेट अपॉन इक्विटी, डेट ये है, इक्विटी ये, टोटल कितने बॉक्सेस हो गए? उसको बॉक्सेस नहीं अमाउंट बोल दीजिए, तो हो गया टोटल 9। 10 में से 1 को छोड़ के जो कि शॉर्ट टर्म सोर्सेस से लेके आए हैं, बाकी 9 लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं। उनमें भी 9 में भी जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। ये जो 9 है ना, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। याद रखिए, वर्ड कैपिटल के चक्कर में मत पड़िएगा। मैंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड्स। तो लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से हुए? ये भी और ये भी, याद रखिएगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कैपिटल है। मैंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आएगा 9। ये 9 कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करेंट लायबिलिटी को ऐड कर लें 9, या फिर दूसरे तरीके से टोटल एसेट्स हैं 10, उसमें से करंट लाइबिलिटीज को हटा दें तो 10 माइनस 1, तो बचेगा 9। तो ऐसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स अगर 9 है तो उसमें से ओनर से कितना लिया है? 3, और आउटसाइडर से कितना लिया है? 6।
ओनर से जितना लिया है उससे डबल हमने आउटसाइडर से लिया है, तो हमने डेट का ज़्यादा यूज़ किया है। तो डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो क्या होगा? 2:1। ये 2:1 क्या बताएगा मालूम है? अगर हमने टोटल 3 रुपीज़ लिए हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, तो उसमें से आउटसाइडर से, लेंडर से लिया है 2 और ओनर से लिया है 1। मतलब हमने जो बिजनेस में पैसे टोटल लॉन्ग टर्म लगाए हैं उसमें से आउटसाइडर्स का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का हिस्सा ज़्यादा है, मतलब हमने कर्जा ज़्यादा लिया है, ओनर से कैपिटल कम लिया है। ये रेशियो 2:1 एक अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर डेट हो तो फिर रिस्की होता चला जाता है। सपोज यहीं पे होता, ऐसा फील कीजिए, कैपिटल से लाते केवल 1, लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं टोटल 9, उसमें से कैपिटल से लाते केवल 1, तो बाकी कितना? 8 होता लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, नॉन करंट लायबिलिटी से। तो टोटल 9 फंड्स लेके आए हैं लॉन्ग टर्म, तो उसमें से आउटसाइडर से लिया है 8 और ओनर से लिया है केवल 1। तो यहाँ हमने आउटसाइड लायबिलिटीज डेट बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, यहाँ पे रीपेमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, ये इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे रिस्की होगा, क्यों? क्योंकि डेट के साथ कमिटमेंट होता है रीपेमेंट का, इंटरेस्ट का, चाहे रेवेन्यू हो ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो। तो एक हद से ज़्यादा डेट का यूज़ करना ये रिस्की हो जाता है, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल लिवरेज। इनफैक्ट लिवरेज इसी के कारण होता है, याद रखिएगा, लिवरेज। दूसरा, टोटल एसेट्स टू डेट, ये टोटल एसेट्स कितने? 10। टोटल हमने बिजनेस में कितने फंड्स लगाए हैं सारे एसेट्स में? 10। तो कहीं से तो आए होंगे, कहाँ से आए हैं? तो लॉन्ग टर्म डेट से लेके आए हैं, इस 10 में से लॉन्ग टर्म डेट से लेके आए हैं कितना? 6। इसका मतलब है 10 रुपए जो हमने बिजनेस में लगाए हैं, 6 रुपीज हम लॉन्ग टर्म से लेके आए हैं डेट से, तो बाकी 4 लेके आए होंगे या तो ओनर से या करंट लायबिलिटी से। इसका मतलब है एक बड़ा अमाउंट हम आउटसाइड लायबिलिटी से लेके आए हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से लेके आए हैं, राइट? अब यहीं पे अगर ये 8 होता तो टोटल बिजनेस में पैसे लगाए हैं 10, जिसमें से 8 है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, नॉन करंट लायबिलिटी से। मतलब हमने लगभग 80% ऑफ द फंड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से लेके आए हैं। मतलब हमारा डिपेंडेंस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ हमारा फाइनेंशियल बर्डन भी ज़्यादा होगा, इस कारण से यहाँ पे रिस्की हो जाता। ठीक, इसको फील करें तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटर फंड्स, ये प्रोप्राइटर फंड्स कितना है? 3 अपॉन टोटल एसेट्स कितने? 10। ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि हमने बिजनेस में टोटल 10 रुपीज लगाए हैं, तो उस 10 में से ओनर से कितना लेके आए हैं? 3, मतलब लगभग 30%। इसका मतलब है बाकी 70% हम लेके आए हैं आउटसाइडर से, डेट से, और डेट में भी लॉन्ग टर्म हो सकता है और शॉर्ट टर्म हो सकता है, नॉन करंट लायबिलिटी हो सकता है, करंट लायबिलिटी हो सकता है। तो करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज से हम लेके आए हैं 1, तो बाकी 60% लेके आए होंगे लॉन्ग टर्म से, जो कि ज़्यादा है। यही 70 होता तो और ज़्यादा होता। तो ये बता रहा है टोटल टोटल जो हमने एसेट में पैसे लगाए हैं 10, उसमें से कितना हम लेके आए हैं ओनर से? 3। तो सीधी सी बात है, 10 में से ओनर से लेके आए हैं, बिकॉज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में 10 लगाए हैं, ओनर से लेके आए हैं जिसमें से केवल 3, तो आउटसाइडर से लेके आए होंगे 7। 7 में से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है 1, तो बाकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी होगी? 6, जो कि ज़्यादा है। यहीं पे अगर कैपिटल होता केवल 1 तो हम बोलते 1:10, मतलब 10 अगर टोटल एसेट्स हैं तो हम ओनर से केवल 1 रुपया लेके आए, तो बाकी 9 जो हमने बिजनेस में लगाए हैं वो कहाँ से लगाए होंगे? आउटसाइडर्स को, तो वो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता। अब जब आप आत्मा से पढ़ेंगे इसको, फील करते हुए लगेगा सर तीनों तो एक ही बात बता रहे हैं। कैसे? टोटल एसेट्स में अगर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी ज़्यादा है तो कैपिटल तो कम होगा ही होगा, राइट? यही तो सोचना है, एक ही तरफ इंडिकेट करते हैं, इसलिए तो एक ही ग्रुप में आते हैं ये सारे। अगर टोटल एसेट में
इसका हिस्सा ज़्यादा है तो इसका हिस्सा तो कम ही होगा ना। और अगर टोटल एसेट्स में से ओनर से हम ज़्यादा हिस्सा लेके आए हैं तो आउटसाइडर से तो कम ही होगा ना। एक ग्लास है, अगर इतना भरा हुआ है तो इतना खाली होगा। एक ग्लास है, ये इतना भरा हुआ है तो इतना खाली, ज़्यादा खाली होगा। अगर ग्लास का 100% मान लें, 70% भरा हुआ है तो 30% खाली होगा, 90% भरा हुआ है तो 10% ही तो खाली होगा, होना ही है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके रेशियो एनालिसिस पढ़ने में एक नया मैजिकल डायमेंशन ऐड करने जा रहा है, जिससे आपका टोटल रेशियो एनालिसिस पढ़ने का अप्रोच बदल जाएगा। और मेरे ख्याल से आप इन्जॉय करेंगे इस लेक्चर को और रेशियो एनालिसिस को भी। अगर ये क्लास 100 ml का है, टोटल 60 ml इसमें जूस भरा हुआ है, तो कितना खाली होगा? सर बड़ा सिंपल है, टोटल ग्लास की कैपेसिटी 100 ml है, 60 ml भरा हुआ है, तो बट ऑब्वियस 40 ml खाली होगा। रेशियो में क्योंकि हम दो चीज़ों को, दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, एक को न्यूमरेटर एक को डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो पहले इस जो खाली वाला पोर्शन है इसका हम रिलेशन निकालें टोटल के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 40 ml अपॉन 100 ml, मतलब 4/10 या 2/5। ये 2/5 क्या कहेगा, 2:5। ये 2:5 क्या कह रहा है कि अगर टोटल इसमें 5 parts हैं, इस ग्लास में टोटल 5 parts हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 parts जो हैं वो खाली हैं। टोटल अगर 5 parts हैं तो जो पोर्शन है, जो भरा हुआ पोर्शन है, उसका रिलेशन हम टोटल से निकालें तो 60 ml अपॉन 100 ml, ये हो जाएगा 6/10 या 3/5। 3:5 के रूप में लिखें तो ये 3:5 क्या बताएगा, ये बताएगा अगर इस ग्लास में 5 portion हैं तो 3 portion, 5 में से 3 जो हैं भरे हुए हैं, 3/5। समझ में आ रहा है? तो खाली वाला पोर्शन का रेशियो 2:5 और भरे हुए पोर्शन का 3:5। ये 5 क्या बता रहा है, टोटल, और ये खाली और ये भरा हुआ। जो खाली है और भरा हुआ है उसके बीच में रिलेशन देखें तो ये 40:60, 4:6, 2:3, 2 parts खाली, 3 parts भरे हुए, तो टोटल हो गए 5 parts। तो 2/5 खाली, 3/5 भरा हुआ। इसका कनेक्शन अब टोटल से निकाल लिया।